अमेरिका, जापान, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, आप सबको आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह उनको गरीके रहमत फरमाए। वो वन एंड ओनली आदमी थे, वन एंड ओनली आदमी थे। और बाज़ औक़ात ऐसा एक वाइल्ड कार्ड खेल जाते थे कि आप परेशान हो जाते थे कि यार ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। एक तोहफा है उनका जो उनके जाने के बाद मुझे लगता है बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है, और मैं बड़ी माजरत के साथ अगर आपको मेरे लफ्ज गरां गुजरे, हमारे अभी ये दौर है ना कि मजहब जो है वो यूट्यूबाइजेशन से गुजर रहा है। यूट्यूब हो रहा है मजहब, जी जी, और मजहबी लोग खुद को यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं। आमिर लियाकत साहब का बहुत बड़ा तोहफा ये था कि उन्होंने उन मकातब फिक्र को जिनके बारे में अवाम में ये फैला हुआ था कि ये तो कभी बैठ ही नहीं सकते, बिल्कुल सबको एक जगह साथ बिठा के अदब से तहजीब से। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए वो यूट्यूब में नहीं आ रही, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब होता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, यानी बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी उनसे कुछ इख्तलाफात थे, या मुझे भी कोई वो थे, आपको भी होंगे, हर इंसान को, नोबडी इज परफेक्ट, हर बंदे की कोताहियां। उसके बावजूद भी हम अगर ये देखें कि अच्छाई उसमें उनके अंदर क्या थी, तो अच्छाई ये थी कि रमज़ान ट्रस्ट ने जैसे तमाम उलमाए कराम को, तमाम मकतब फिक्र के लोगों को एक साथ बिठा दिया, और फिर आज रमज़ान तहजीब से इख्तलाफ है। सर आज रमज़ान के अंदर, ये मैं ओपनली कह रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर आज जो लोग रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं ना, वो आमिर लियाकत साहब की एक ट्रांसमिशन जो एक जगह हुआ करती थी, अब वो टुकड़ों में बढ़ गई। किसी ने गेम शो ले लिया, किसी ने उलमा कराम का सेगमेंट ले लिया, और किसी ने ऐसी चीज़ें ले ली जिसमें यानी उलमा कराम का झगड़ा या तनाज़ा पेश किया जा रहा है, और जिसके ऊपर लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं। या हर शख्स जिसका माइंड होता है वो उस हिसाब से देखता है। मेरा हरगिज़ किसी के खिलाफ मैं नहीं बात कर रहा, बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ें जिस पर सो कॉल्ड आप कहते हैं रेटिंग आ रही है, जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, वो एक उनकी ट्रांसमिशन में हुआ करता था, एक जगह हुआ करता था, एक जगह, और जिसका क्रेडिट जाता है। लेकिन आज भी जो लोग जो काम कर रहे हैं वो अपनी जगह बेहतर कर रहे हैं, जो रमज़ान ट्रांसमिशन जिस चैनल पर भी हो रही है, सब अपना बेस्ट पेश कर रहे हैं, और हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको कामयाब करे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं।